सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. जहां भी जो रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बीमारियां किसी को दूर दूर तक ना आए और सबको खूब प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं. देखो, हमने पूजा पाठ भी कर लिया है. सुबह सुबह हमने भगवान से विश्व के लिए, अपने देश के लिए, सुबह सुबह भगवान से हमने विश्व के लिए, अपने देश के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पापा के लिए और जितने भी हैं ससुराल मायके, सबके लिए, आप लोगों के लिए और थोड़ा सा अपने लिए भी विश मांगा भगवान जी से कि भगवान जी सबको अच्छे अच्छे से रखना, सबका अच्छा बने न्यू ईयर्स और अच्छे से कटे. हाँ, सबका न्यू ईयर्स पूरा साल खूब अच्छे से जाए, यही हमने विशेष मांगी प्रभु जी से, भगवान जी से. तो एंजॉय कीजिए आप लोग भी अपना न्यू ईयर और पूरे साल को, एक एक दिन को न्यू ईयर की तरीके से सेलिब्रेट कीजिए आप लोग. हम लोग भी कोशिश यही करेंगे. कितना बोलती है लड़की. और हमने जो है वो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया है. अभी अब हमारा प्रोसेस आगे का शुरू होता है. अब हम छत पे जाएंगे. ठीक. चलो तो फिर अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम करने, उसके बाद भाषण देंगे. मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय. सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग तैयार होके जा रहे हैं. एक जगह से हमको न्योता मिला है, निमंत्रण मतलब खाना खाने के लिए. बहुत बड़ा फंक्शन तो नहीं था, छोटा सा था, तो वहीं हम लोग तैयार होके जा रहे थे. मतलब हम थे, बहन लोग थी और भाई लोग सब लेके जा रहे थे. और गांव में ही था फंक्शन, तो रास्ते में मुझे ऐसे खेत खलिहान मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें. अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद मतलब इधर मैं गई हूँ. शादी के पहले मैं गई थी, शादी के पहले भी इनके घर में फंक्शन था. इनके मतलब बेटे की शादी थी, उस टाइम में गई थी इनके घर. उसके बाद मुझे लग रहा है 10-12 साल हो गए इनके यहाँ गए, मैं नहीं गई थी. तो फिर ये एक मौका भी था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, सब लोग चलते हैं. यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ उनके घर पे. और उनका घर जो है पहले कुछ अलग था, अभी उनके जो ये बेटे आप देख रहे हो, इन्होंने अपना अलग बना लिया है. बहुत अच्छा सा बनाया है, पूरा तो मतलब मैं नहीं, लेकिन हाँ मैं दिखाऊँगी आपको घर भी कैसा है. और ये इनकी मतलब बहू बीबी हैं, मतलब हमारी भाभी लगती हैं ये. तो हम लोग पहले पहुंच के वहाँ पे पानी वानी पी रहे थे. और बहुत टाइम बाद गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत मतलब हम लोग जैसे फ्रेंडशिप, जैसे भाभी है ना, ये आती तो है मेरे घर, जैसे कुछ पड़ता है तो आती हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी बहुत टाइम से. तो फिर इन्होंने समझ लो बहाने से ही बुलाया था, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था. लेकिन हाँ ये कि बहुत मानती हैं हम लोगों को, बहुत मानती हैं, तो बहाने से ही बुला लिया था कि चलो इसी बहाने आप आ जाओ, वैसे तो आप आते नहीं हो. तो इन्होंने दिया था मुझे पानी पीने के लिए. तो ये मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है. और ये हैं दादाजी जिनके घर में गई हुई थी, मतलब मेरे पापा के दोस्त हैं, मैं बताऊँगी आपको डिटेल में भी. और यहाँ पर देखो सारे बच्चे खा रहे हैं सोन पापड़ी, और बहुत टेस्टी थी देखने में, मतलब वाइट सी लग रही, लेकिन बहुत रियली में बहुत टेस्टी थी ये सोन पापड़ी. तो और हमारे यहाँ जैसे अगर किसी को पानी देते हैं पीने के लिए, तो सादा पानी नहीं देते. जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ सब मतलब बाहर अगर आप जाओ, यूपी से बाहर जाओ, तो वो क्या है, सादा पानी आपको दे देते हैं पीने के लिए, कुछ खाने के नहीं देते. लेकिन हम लोगों के यहाँ रिवाज है, अगर आप जाते हो किसी के घर, तो उसके साथ वो बिस्किट दे, उनके घर में जो भी है गुड़ दे. गुड़ तो आजकल बहुत कम ही देते हैं, कोई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मीठा ज़रूर देंगे, उसके साथ आपको पानी पीने के लिए देंगे. और जहाँ मतलब अभी आजकल ये ज़्यादातर ख़त्म हो गया है, अब सब फैंसी हो गए हैं, केवल पानी पानी देते हैं. लेकिन नहीं, और मुझे आदत भी है कि अगर मुझे आप सादा पानी दोगे तो मेरे से वो पिलाएगा नहीं, मैं पानी पीने के पहले कुछ ना कुछ खाती ज़रूर हूँ. और ये सोन पापड़ी ना मुझे ऐसे लग रही थी जैसे बचपन में वो होता था ना लच्छी, पता नहीं लच्छी आप लोग जानते हो कि नहीं, हमारे वो पता है कबाड़ वाला आता था, कबाड़ लेके और ऊपर से मुझे ऐसे लच्छी देता था वो, बहुत टेस्टी होती थी. हम लोग अच्छा अच्छा लोहा जो होता था वो कबाड़ वाले को दे देते थे उस लच्छी खाने के चक्कर में. तो सेम वैसे ही लग रही थी. और बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा लगा. सारा कुछ तो नहीं किया क्योंकि पता है किसी और के घर जाओ और कैमरा करके करो तो अच्छा नहीं लगता है. लेकिन हाँ, जितना भी हमसे हो सका था उतना हमने किया था.
फिर उसके बाद हमें मिली थी चाय पीने के लिए, जो कि खाना बन चुका था, हम लोग लेट गए थे काफ़ी लेट। इन्होंने दिन से ही बुलाया था हमें, लेकिन हम दिन से नहीं जा पाए क्योंकि एक तो मम्मी लेट आई थी, मम्मी स्कूल से जैसे आती हैं 3 बजे, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम बना। और फिर मतलब हम लोग गए थे, लेकिन हाँ वही खाना खाने के ही टाइम पे गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ठंडी का मौसम है तो पहले चाय पिला दो, चाय सब लोग पी रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग खाए हैं खाना, इधर खाना खाने बैठे हैं, पूड़ी सब्जी दाल चावल और ये है होता है मूली का मीठा अचार था, तलखा बोलते हैं, तलखा गलका जो भी बोलते हैं, तलखा गलका वो था, दाल चावल पूड़ी सब्जी वो गलका। और सबसे टेस्टी बताएं आपको सब्जी पूड़ी तो थी ही, मुझे पूड़ी बहुत पसंद है, मैं अगर सब्जी पूड़ी खाती हूँ तो उसके साथ दाल चावल मुझे कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं ना कि सब्जी पूड़ी से उनका पेट नहीं भरता तो दाल चावल उनको चाहिए ऊपर से, ऐसा नहीं है मेरा, मैं खा लेती हूँ आराम से पूड़ी सब्जी पेट भर के। और ये अचार जो था मतलब मीठा वाला मूली का अचार बहुत टेस्टी था, बहुत रियली बहुत यम्मी था वो, और हमने मांग के 2-3 बार खाया वो मीठा वाला अचार, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और घर भी इन्होंने दिया था घर के लिए भी, क्योंकि मम्मी लोग नहीं गई थी तो वहाँ घर के लिए भी दिया था, ये तो बाद का बचा हुआ था ये पूरी सब्जी। और ऐसे बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो आपको कहीं किसी रेस्टोरेंट या कहीं भी आप खाओ नहीं मिलता। और बाहर भी सब लोग खा रहे थे, 60-70 आदमी थे खाने में। उसके बाद हम आ गए थे इनके किचन में, ऐसे ही ये दिखा रही थी, हम बहुत टाइम बाद बता रहे हैं ना, बहुत टाइम बाद गए थे तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा देख लो, दादाजी ने बोला कि घर भी थोड़ा सा देख लो, तो मैंने ये है इनके किचन, तो अभी तो प्रोग्राम था तो थोड़ा सा फैला हुआ था किचन जो है, पर हाँ ये है अभी जब बन जाएगा तो। और यहाँ ये डाइनिंग एरिया है शायद इनकी, हाँ डाइनिंग एरिया है इनको अभी, और मतलब स्पेस ये ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, अभी नया ही इन्होंने बनवाया था, अब अभी मतलब काम चल ही रहा है, रंगाई पुताई शुरू हुई है अब, तो वही ये मुझे बता रहे थे अपना प्लान कि कैसे क्या क्या करना है। और बहुत मतलब ये जो भैया हैं अभी ना ये थोड़े फैंसी टाइप के हैं, मतलब सब कुछ व्यवस्था से ये करना चाहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि घर में कोई नहीं दिख रहा है, तो सारी लेडीजें मतलब खुद ही सब लोगों ने खाना बनाया था, लेडीज जेंट्स ने मिलके, तो घर के पीछे भी बहुत सारा स्पेस है, वहाँ पे सब लोग बैठ के वहाँ पूरी सब्जी वहीं बन रही थी, तो वहाँ मतलब गरम गरम निकाल रहे थे और सबको दे रहे थे खाने के लिए। यहाँ पे सब लोग खाना बना खाने के बाद आग सेंक रहे थे, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट ले आके मतलब लगाए हुए हैं, तो ये पता नहीं कब बहन ने मतलब ये सारा ले लिया था, बहुत मतलब आगे से पीछे इन्होंने बहुत अच्छी प्लांटिंग कर रखी है, मतलब जो भी गांव में रह के इतने अच्छे से करना मतलब होता है ना थोड़ा सा, और ये नहीं मतलब अच्छे से गांव है जैसे गांव होते हैं, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत मतलब डेवलप किया है गांव में ही रह के। उसके बाद हम लोग चले मतलब चल दिए थे अपने घर की तरफ, बच्चों ने डांस वांस भी किया था, वो सब नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे अपने घर, सो आ गए हम अपने घर। आज हम लोग गए थे एक छोटे से फंक्शन में, मतलब हमारे पापा जी के जो दोस्त हैं, आपको क्या बता, मैं बता रही हूँ, मेरे पापा के एक दोस्त हैं, मतलब दादाजी बोलते हैं हम लोगों को, तो उनके यहाँ हम लोग गए थे, कथा पूजा थी उनके यहाँ, सत्यनारायण जी की कथा थी, तो वहाँ पे खाने पीने का भी था फंक्शन, 50-60 आदमी का था, ज़्यादा नहीं था, तो वहीं पे हम लोग गए थे खाना वाना खाए। और अभी रात के बज गए हैं 8, जस्ट अभी आ रहे हैं हम लोग, और आपके पे मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग मैंने शुरू तो नहीं किया था, पर ठीक है एंड कर देती हूँ, मिल लेती हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगेगा बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ यहाँ पे, सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ।